एक नोटिफिकेशन या फिर हम बोल सकते हैं एक सिलेबस है जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का सिलेबस है, जेके पीएससी जे सॉरी जेके पीएससीए का, जेके पीएससी जेके पीएससी जेके पीएससी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई की वैकेंसी निकली है उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसका सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जो मेन सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हमने बात की, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पास यूनिट्स एंड डायमेंशन है, ऐसे यूनिट है, वेक्टर है, कंसेप्ट ऑफ फोर्स है, ये सारे आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में देखने को मिलेगा, इसके सारे टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप ये टॉपिक देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा वो है डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स में, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, मशीनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के, आपके ये स्टील डिजाइन का आपको ये टॉपिक मिलेंगे। देन डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर के आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएंगे, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, आपको थर्ड मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन के टॉपिक मिलेंगे। इसमें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के जो टॉपिक होंगे ये वाले टॉपिक आप देख सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिमिलिट्यूड, लामिनर फ्लो, बाउंड्री लेयर के ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। देन बाउंड्री लेयर के बाद ओपन चैनल फ्लो है, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर के आपको ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे। देन आपको मिलेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ से देख सकते हैं। ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक हैं, ठीक है, यहाँ तक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के। उसके बाद आपको मिलेंगे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की तो ये कुछ टॉपिक है। इसके अलावा नीचे हम जाएंगे तो ये सारे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के टॉपिक है। देन कंस्ट्रक्शन के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको कंस्ट्रक्शन के सारे टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन आपको कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक है, यहाँ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको मिलेगा सर्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम बात करें सर्वेइंग के कुछ ये टॉपिक है, रेलवे के कुछ ये टॉपिक है, हाईवे का आपको टॉपिक कुछ देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स की बात करें तो हाइड्रोलॉजी के ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे, ग्राउंड वाटर के ये वाले टॉपिक है, एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अगर हम बात करें तो ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है इरीगेशन इंजीनियरिंग, तो इरीगेशन के ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, आपको वाटर सप्लाई के टॉपिक है, इनटेक वाटर के टॉपिक है, सीवेज सिस्टम के टॉपिक है, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स के टॉपिक है, सीवेज ट्रीटमेंट के टॉपिक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। देन हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक टॉपिक है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज निकली है अभी जेके पीएससी के थ्रू, इसके सारे टॉपिक आपको जो करने हैं।